गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम BSc क्लियर विषय जीव विज्ञान यूनिट फर्स्ट जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत हम जैविक विज्ञान पाठ्यक्रम अध्ययन परियोजना के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम BSc प्रोजेक्ट के उद्देश्य व BSc की विषय सामग्री के संगठन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम BSc ने समस्त विषय वस्तु को तीन आधारों अणु कोशिका व समुदाय पर संग्रहित किया है तथा तीन पाठ्यपुस्तकें विकसित किए। प्रत्येक अनुवाद की विषय प्रविधि है और उसकी विशेषता अवलिखित प्रकार है, जिससे अपन आज अपने दिन की चर्चा शुरू करते हैं। नीला अनुवाद, पीला अनुवाद, पीला अनुवाद। इस पाठ्यक्रम का आधार कोशिकीय प्रविधि है। ऐसा माना जाता है कि कोशिका जीवन का एक लघु रूप है, इसीलिए जीव विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ कोशिका संरचना से किया जाए। इस विषय वस्तु को जीव विज्ञान की एकता, विविधता तथा निरंतरता पर संगठित किया गया है। पीला अनुमान इस पाठ्यक्रम का आधार कोशिकीय प्रविधि है। ऐसा माना जाता है कि कोशिका जीवन का एक लघु रूप है, इसीलिए जीव विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ कोशिका संरचना में किया जाए। इस विषय वस्तु को जीव विज्ञान की एकता, विविधता तथा निरंतरता पर संगठित किया गया है। नंबर टू, नीला अनुवाद। इस विषय वस्तु में जीव विज्ञान का अध्ययन अणु स्तर प्रविधि में करते हैं, जिसमें शरीर विज्ञान तथा जीव रासायनिक विकास को प्रगति आधारित है। जीवन का आरंभ अणु से होता है, इसीलिए जीव विज्ञान का अध्ययन यहीं से किया गया। नीले अनुवाद के अंतर्गत यह बताया गया कि इस विषय में जीव विज्ञान का अध्ययन अणु स्तर प्रविधि से करते हैं, मॉलिक्यूलर अप्रोच से करते हैं, जिसमें शरीर विज्ञान तथा जीव रासायनिक विकास की प्रगति आधारित है। जीवन का आरंभ अणु से होता है, इसीलिए जीव विज्ञान का अध्ययन यहीं से किया गया है। हरा अनुवाद, हरा अनुवाद। इस विषय वस्तु में परिस्थिति की प्रविधि तथा सामुदायिक प्रविधि को आधार मानकर जीव विज्ञान का अध्ययन किया गया है, जिसमें मुख्यतः महत्व जैविक समुदाय तथा सार्वभौमिकता को दिया गया है। इस विषय वस्तु में परिस्थिति की प्रविधि तथा सामुदायिक प्रविधि को आधार मानकर जीव विज्ञान का अध्ययन किया गया है, जिसमें मुख्य महत्व जैविक समुदाय तथा सार्वभौमिकता को दिया गया है। काला अनुवाद। यह विषय वस्तु होनहार एवं सृजनात्मक
तत्वों सृजनात्मक छात्रों के लिए है, जिसे कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान में द्वितीय पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह विषय वस्तु होनहार एवं सृजनात्मक छात्रों के लिए है, जिसे कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान में द्वितीय पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समस्त अध्ययन पाठ्यक्रम प्रविधि पर आधारित है। इसी प्रकार DSCS सेकंड कोर्स भी बनाया गया है। आज इतना ही। कल हम अल्पबुद्धि छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम से अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाएंगे। आज इतना ही। नमस्ते।